आगे बढ़ेंगे राजनांदगांव से खबर, जहां कांग्रेस नेता को धमकी मिली है। सुरेंद्र दास वैष्णव को ये धमकी मिल रही है। परिवार के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो परिवार के लिए सुरक्षा मांगूंगा, उन्होंने ये कहा है। कल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने पीड़ा उन्होंने अपनी बताई थी। बूथ स्तरीय बैठक के दौरान नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की थी। तो आपको बता दें कि धमकी उनको मिल रही है राजनांदगांव से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ को धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जरूरत पड़ी तो परिवार के लिए सुरक्षा मांगूंगा, ये भी सुरेंद्र दास ने कहा है। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मंच पर मैं जब को बुलाया गया तो मैंने अपनी बात और कार्यकर्ताओं की बात जो पीड़ा थी 5 साल की हमारी, हमने उस बात को वहां पे रखा और उसी को लेकर ये सारी जो है बातें हो रही है। 5 साल चुप रहने के पीछे वजह ये थी कि 5 साल हम कार्यकर्ता जो है उनसे मिल ही नहीं पाए। हम अपने नेता को ढूंढते रहे, हमारे नेताओं से हमारी मुलाकात हुई नहीं। अब जब कार्यकर्ता 5 साल ढूंढते रहे, आज वही नेता हमको ढूंढते हुए हमारे पास आए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने जो मेरे मन में सवाल थे, जो कार्यकर्ताओं के सवाल थे, हमने वो सवाल उनसे दिया। तो आपने सुना सुरेंद्र दास वैष्णव को धमकी मिल रही है, परिवार के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उन्होंने ये कहा। और साथ ही जब भूपेश बघेल पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात भी रखी और कहा कि जरूरत पड़ी तो परिवार के लिए सुरक्षा मांगूंगा। कल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने उन्होंने मंच से पीड़ा अपनी व्यक्त की थी।